माई चैनल ब्यूटी एक्सप्रेस विद निशा। तो मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे आप सबको बोला था कि आप मेरे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, एंड मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस सबने पूछे हैं एंड मैंने उन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया है। सो आज की वीडियो एक क्यू एंड ए सेशन होने वाली है ताकि आप मेरे बारे में और जान सकें। सो अगर आप भी मुझे और जानना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो द लाइक बटन। अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं एंड जानना चाहते हैं मेरे लाइफ अपडेट्स, देन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। माई इंस्टा हैंडल इज देयर फॉर रील्स एंड अपडेट्स। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा नहीं गया है, ये मैं आप सबसे इन जनरल बताना चाहती हूँ, एंड दैट इज माई फुल नेम। सो माई फुल नेम इज निशा अरोड़ा। तो सेकेंड क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया है दैट इज You belong to which city? And I belong to Ludhiana, Punjab. So, जो third and fourth question है वो interrelated है. Third question is, are you in college? Which course you are doing? And fourth question is, what is your profession? So, मैं इन सभी questions का एक साथ आपको answer दूंगी. So, no, I am not in college. I have completed my studies and I have done MA dance. And regarding my profession, I am dance instructor. So next question is my favorite color. So मेरा favorite color वो change होता रहता है. Last year मुझे mustard color पसंद था and कुछ time बाद मुझे olive green color पसंद आने लगा and my recent favorite colors are lavender and powder blue color. So the next question is my favorite food. Like उसको आप snack के लिए favorite food बोल सकते हो and that is पाव भाजी. एंड माई ऑल टाइम फेवरेट, लाइक मैं कभी भी खा सकती हूँ एंड आई गेस वो सबकी फेवरेट है एंड दैट इज मैगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम। सो फ्री टाइम में मैं वेब सीरीज देखती हूँ। लाइक लॉकडाउन से पहले भी मैं वेब सीरीज देखती थी बट इतना ज़्यादा नहीं। सो ड्यूरिंग लॉकडाउन मैं वेब सीरीज में ज़्यादा इन्वॉल्व होगी एंड आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेवरेट शो फ्रॉम चाइल्डहुड। सो लोग जितने भी 90s बॉर्न हैं उन सबके लिए कुछ शोज बहुत फेवरेट हुआ करते थे जो मेरे भी हैं एंड वो शोज हैं शाकला का बूम बूम, सोन परी, करिश्मा का करिश्मा, शरारत। लाइक मैं शोज के लिए पागल थी उस टाइम पे और मैं अपने बचपन में बहुत ज़्यादा देखती थी इन शोज को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ माई हेयर केयर रूटीन। सो मैंने बहुत बार इसके रिलेटेड वीडियोस शेयर की हैं, मैं आई बटन में लिंक भी कर दूंगी, प्लस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी रीसेंट हेयर केयर रूटीन क्या है तो मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ, सो वेट फॉर इट। सो मुझे किसी ने पूछा था कि व्हाट शुड आई डू इफ आई गेट पिंपल्स आफ्टर ईटिंग मैंगोज। तो ये एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है बट मैं डेफिनेटली इसको आंसर करूँगी। तो सबसे पहले तो अगर आप बहुत ज़्यादा मैंगोज खाते हैं तो उसकी कंजप्शन आप कम कर दें एंड अगर आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं सो मे बी आपकी ऑयली स्किन है तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो ऑयल फ्री हो। फेस वॉश के लिए आप एंटी एक्ने फेस वॉश यूज़ करें, उसके साथ आप वीक में सिर्फ दो दिन एक ऐसा फेस वॉश लें जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो। एंड अगर आप अपने एक्ने को जल्दी ट्रीट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्ने पिंपल पैचेस आते हैं, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप पास जाके परचेज कर सकते हैं। वो एक बहुत छोटे राउंड सर्कल में होते हैं एंड आप उसको लगा के जहाँ पे भी आपके एक्ने हैं आप उस पर लगाएं एंड लगा के आप सो जाएं। सुबह उठ के जब आप उसको रिमूव करेंगे तो उसके अंदर आपके एक्ने के अंदर जितना भी डर्ट या गंक होगा वो उस पैच के साथ ही निकल आएगा। आपको उसको बहुत ध्यान से निकालना पड़ेगा ताकि उसका जितना भी बैक्टीरिया है वो बाकी एरिया पे आपको ना फैले। उसके बाद आपको उस एरिया की बहुत ध्यान से केयर करनी पड़ेगी एंड इसके अलावा आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर हु इज़ नॉट रिलेटेड टू ब्यूटी और लाइफस्टाइल। मैं उन सभी मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स के नेम आपसे शेयर करूंगी जो ब्यूटी या लाइफस्टाइल से रिलेटेड भी हैं और जो नहीं भी हैं। सो जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है सबसे पहले मैं उसका आंसर दूंगी जो ब्यूटी या लाइफस्टाइल से रिलेटेड नहीं है। तो मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स उस कैटेगरी में हैं संभावना सेठ, उसके व्लॉग्स आर रियली ऑसम, उसके अलावा है गोपाली, द ब्राउन डॉटर, इन सबके व्लॉग्स मेरे को देखना बहुत पसंद है। एंड अब वो यूट्यूबर्स जो ब्यूटी या लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, सो सबसे फर्स्ट यूट्यूबर को मैं बहुत टाइम से फॉलो करती आ रही हूँ एंड दैट इज़ प्राची फ्रॉम सुपर वॉल स्टाइल।
नेक्स्ट इज अदिति फ्रॉम दैट क्वर्की मिस पार्ट फ्रॉम इट जिनके मैं वीडियोस देखती हूँ वो है चेरीज वर्ड तो दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज वीडियो आई होप आज का क्यू एंड ए सेशन आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा ऐसे और भी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कोई भी फेवरेट टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मैं डेफिनेटली उससे वीडियो बनाऊंगी एंड अगर आप मुझे कुछ भी ब्यूटी या लाइफस्टाइल के रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें आई एम वेरी एक्टिव देयर मेरी वीडियोस हर थर्सडे 12 बजे आती है सो स्टे ट्यून्ड विथ माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी बाय बाय